एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अरे कहना क्या चाहते हो? ये एनआरपी जो है, नेशनल सिटीजन ऑफ सिटीजन, या अफगानिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से डरने की, ये जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान। अरे कहना क्या चाहते हो? आज इंटेलिजेंट ब्यूरो के अनुसार अध्यक्ष, एनआरपी का भी उल्लेखन किया जा रहा है अध्यक्ष, एनआरपी का भी उल्लेखन किया जा रहा है अध्यक्ष। ये एनआरपी जो है, नेशनल सिटीजन ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे? ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। हम लोग अब डरने वाले नहीं। तुम गोली चलाओ, क्या मांगेंगे? आजादी। तुम लाठी चलाओ, क्या मांगेंगे? आजादी। हम लोगों को निकालोगे? अरे हमारे पूर्वजों ने तुमको सर्टिफिकेट दिया था उस समय जब तुम हमारे देश में प्रवेश किए थे। हमारे पूर्वजों ने कहा हम कैसे पहचान पाएंगे कि तुम इस देश के शरणार्थी हो, इसलिए एक कानून बनाया कि चुटैया निकालो और जनेऊ पहनो जिससे पता चले तुम इस देश के शरणार्थी हो। हम लोगों के ऊपर शासन करना चाहते हो, ये भूल जाओ। ये ना हो अब वह हो जो संविधान में लिखा हो। मुस्लिम समाज जैसा हिंदुस्तान के अंदर योद्धा दूसरा कोई नहीं है। आने वाला समय संविधान से चलेगा, तुम्हारे मनुवाद से नहीं चलेगा। सरकार फांसीवादी हो सकता है, पर मुझे यकीन है कि सरकार बेवकूफ है, एक नंबर का बेवकूफ।